दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि शेयर मी ऐप से आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी डेटा को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को करना क्या है, शेयर मी ऐप ओपन कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए शेयर मी ऐप ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका भी शेयर मी ऐप ओपन कर लेंगे। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अलाउ कर लीजिए। सेंड पर क्लिक करना है, जैसे इससे सेंड इसमें करना है तो यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए कोई आपको मान लीजिए ये फोटोज कुछ मुझे सेंड करनी है, तो जैसे मान लीजिए फोटोज सेंड करनी है। उसके बाद यहाँ रिसीव पर क्लिक करेंगे, यहाँ टर्न ऑन वाईफाई पर क्लिक करेंगे, इनेबल कर लेंगे, डन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे डन सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे ये क्यूआर कोड मांगता है, क्यूआर कोड के साथ साथ यहाँ पर लिख के भी आ जाएगा। अगर क्यूआर कोड मांग रहा है तो आप इस तरीके से स्कैन भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड यहाँ से इस तरीके से स्कैन भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद इस तरीके से देखेंगे तो ये शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड का समय लगेगा और ये देखिए यहाँ पे फाइल आसानी से ये शेयर हो चुकी है। आप मान लीजिए और भी कुछ शेयर करना है तो शेयर मोर फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये भी शेयर करना है, ये भी शेयर करना है, तो इसको भी सेंड कर देंगे और ये देखिए ये भी शेयर हो गई। तो इस तरीके से आप शेयर मोर फाइल करके और भी कुछ शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाता हूँ ये फाइलें वाकई में आई हैं कि नहीं आई। तो यहाँ पर मैं गैलरी में जाऊंगा। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये गैलरी में गए, गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे एग्री पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है आप सभी देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे वो सारी फ़ोटो जो है वो यहाँ पे जो मैंने मंगवाई थी वो सारी फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ शेयर मी ऐप में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।